सो यो गाइस, आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं अपना रेडल 6 गेम। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सोलो वर्सेस स्क्वाड, बट इसके अंदर सोलो वर्सेस स्क्वाड का कोई भी ऑप्शन नहीं है, बट अपन लोग स्क्वाड में ही खेलेंगे। बट फुल ट्राई करेंगे अपना सोलो वर्सेस स्क्वाड करने का, और सोलो वर्सेस स्क्वाड के साथ साथ अपन लोग फुल ट्राई करेंगे इस गेम को वैक्ट्री करने का। तो लेट्स सी क्या होने वाला है। तो गेम को करते हैं जल्दी से स्टार्ट। और इस गेम के अंदर वैक्ट्री करने में कुछ अलग ही मजा आता है, क्योंकि वैक्ट्री के साथ साथ अपने को हेलीकॉप्टर के ऊपर चढ़ना पड़ता है। जब जाके अपना वैक्ट्री होता है तो अपना गेम स्टार्ट हो चुका है, और थोड़ा बहुत मैंने लूट कर लिया नीचे आके। ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पर आ चुके हैं AK-47 और प्लस अपनी MP5, और देखते हैं कितने बंदे इस गेम के अंदर किल कर पाएंगे। 20 टोटली अपने गेम के अंदर यहाँ पर 20 बंदे, उसमें से 10 से ओवर बंदे मारने की कोशिश करेंगे पूरे के पूरे, क्योंकि यहाँ पर 4 एनिमी हमारे ही साथ हैं, 4 आदमी। तो और उससे अलावा यहाँ पर 16 बंदे बचते हैं, और 16 बंदे में से 10 मारते तो काफी अच्छा बात हो जाएगा। तो देख, तो लेट्स सी गाइस अपन लोग कितने बंदे मार पाते हैं इस वाले गेम के अंदर। और इस गेम के अंदर यहाँ पर ग्लू वॉल भी अवेलेबल है एकदम ओपी टाइप का। तो यहाँ पर थोड़ी सी और लूट कर लेते हैं, और मेरे को किसी बंदे के यहाँ पर फुट स्टेप पा रहे हैं, तो मेरे को यहाँ पर पीछे जाना पड़ेगा, शायद इसी तरफ से आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक बंदी है, इसको जल्दी से फिनिश कर देते हैं। मेरे को ऐसा लगा ये एकदम नूव है, क्योंकि ये यहाँ पर कुछ खेलना नहीं जानती थी, इसने मेरे फायर भी नहीं किया। इसके पास ओनली AK-47 थी जो मैंने उठा ली, और हमारे MP5 में मैंने रिलोड कर लिया जल्दी से गन। और जल्दी से देखते हैं अपने साथी क्या कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हो एक साथी अपना यहाँ पर पानी के अंदर है, और एक साथी वहाँ पर है जो वहाँ पर मैं के आया था। तो यहाँ पर टोटली 1 अपना किल हो चुका है, और यहाँ पर 9 किल और करने अपने को, बट यहाँ पर 20 अलाइव है, क्योंकि यहाँ पर बार बार रिवाइव करने का ऑप्शन आ जाता है। 2 से 3 बार आप रिवाइव कर सकते हो, सेल्फ रिवाइव हो सकते हो आप इजीली अपने गेम के अंदर। तो देख सकते हो अपन लोग यहाँ पर बहुत सारी चीजें हो चुकी है अपने गेम के अंदर। तो लेट्स सी गाइस क्या होने वाला है आज किस गेम में, और यहाँ पर अपना वैक्ट्री हो पाते हैं। यार वैक्ट्री होगा तो एकदम अच्छी बात है। और बंदे ढूंढते ढूंढते मैं आगे की तरफ आ चुका हूँ अपने स्केट बोर्ड लेके। लेट्स सी गाइस अपने यहाँ पर बंदे मिलते हैं नहीं। मेरे को एक आगे की तरफ टावर दिख रहा है, तो आजकल बंदे कैंपिंग भी करने लग गए हैं। 2-3 दिन पहले ही अपना गेम आया, और यहाँ पर बंदे कैंपिंग भी करने लग गए हैं, और मेरे को यहाँ पर एक बंदा दिख चुका है। तो इसलिए मैंने अपना गेम बूस्टर कर लिया, अपना यहाँ पर अपने स्केट बोर्ड में बूस्टर कर लिया। तो लेट्स सी गाइस ये कौन सा वाला बंदा है। ओके, तो ये वही वाली बंदी है जो मैंने पहले मारी थी। तो हमारा सेकंड किल भी इसी के साथ हो चुका है, हमारे 2-2 किल इसी बंदे ने करा दिया अपने। सेकंड बार रिवाइव होके आई थी, तो मैंने इसको चटका एकदम ओपी तरीके से, और इसमें से सारी की सारी लूट कर लेते हैं अपन लोग। और यहाँ पर देख सकते हो फिर से AK-47 ही लेके आई थी अपने को मारने पर, और यहाँ पर अपने पास भी यहाँ पर AK-47 थी। तो इसके इससे पहले ये सोच पाती कुछ इससे फायर कर लिया। यहाँ पर एक और साथी है इसका, और यहाँ पर एक और साथी इसका जो कैंपिंग कर रहा है मेरे हिसाब से, तो इसको जल्दी से जल्दी फिनिश कर लेते हैं। तो इसी के साथ अपने यहाँ पर 3 किलो हो चुके हैं। तो एकदम वोट बंदे आ रहे हैं अभी के टाइम पर, क्योंकि ज्यादा खास बंदे खेलना स्टार्ट नहीं हुए हैं इस वाले गेम के अंदर। तो काफी वोट बंदे आ रहे हैं, और देख सकते हो कितना बड़ा टावर देख रहा है। इसके ऊपर भी चल के देखेंगे क्या यहाँ पर अपने टावर के ऊपर यहाँ पर बंदे देख सकते हैं या नहीं। तो देखते हैं भाई कितनी सारी लूट पड़ी। इसके पास ओनली स्कार थी, तो ये बंदा वैसे भी नहीं मार पाता अपने को। तो जल्दी जल्दी ऊपर चलते टावर की तरफ, देखते हैं यहाँ पर बंदे मिल पाते या नहीं अपने को। और बंदा मिलता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता तो फिर भी अपन लोग आगे की तरफ चलेंगे और ढूंढ के। यहाँ पर हमारे टोटली 3 किल हो चुके हैं, तो यहाँ पर अपने को एक और किल चाहिए। अरे यार देख सकते हो ये बंदी क्या कर रही है, यहाँ पर कैंपिंग कर रही है भाई। अभी से कैंपिंग का स्टार्ट हो चुका है भाई, देख लो भाई अभी से रैंक पुर का इतना ज्यादा स्टार्ट हो चुका है रैंक का। अब इस पर से उठा लेता हूँ अपनी यहाँ पर P90, क्योंकि इसके पास P90 थी। तो बंदे को ढूंढते ढूंढते मैं आगे की तरफ जाऊंगा, और यहाँ पर देख सकते हो कितना ज्यादा टावर के ऊपर आ चुका हूं मैं। और यहाँ पर ये कैंपिंग कर रही थी, जिसको लगा था कोई बंदा नहीं आएगा, बट अपन लोगों ने आके चटका दी इसकी ओपड़ी। और ये यहाँ पर अभी भी 18 बंदे अलाइव हैं। तो लूट करने के लिए टावर के बाद मैं आ गया एक घर के पास, जहाँ पर एक छोटा सा ब्लेस था वहां पर मैं आ चुका हूँ। और यहाँ पर काफी अच्छी मेरे को लूट मिल चुकी थी, और यहाँ पर 1-2 ग्लू वॉल हो चुके थे मेरे पास, बहुत सारी मेडिकेट भी हो चुकी थी, और टोटली अपने 4 किलो हो चुके थे। मैंने पूरा का पूरा स्क्वाड मार दिया था वो वाला। और यहाँ पर देख सकते हो काफी अच्छी लूट हो चुकी थी, अपने साथी भी मेरे साथ थे एकदम कवर देके खेल रहे थे। और यहाँ पर देख सकते हो कितने सारे हमारे यहाँ पर फायर कर रहे हैं, एक मेरे को शायद बंदा दिखा, और यहाँ पर अपना साथी मार रहा है। इसका किल चुराना पड़ेगा, क्योंकि अपने को 10 बंदे किल करने हैं। तो यहाँ पर टोटली अपने 5 बंदे किल हो चुके हैं इसी के साथ, इस वाले किल के साथ। तो यहाँ पर टोटली अपने 5 किल हो चुके हैं, और अपने पास यहाँ पर कोई भी एमओ की कमी नहीं है, कोई मेडिकेट की कमी नहीं है अभी तक। एक भी बार अपन लोग मरे नहीं, और एक बार भी मर जाते हैं तो अपने को रिवाइव दोबारा से मिल जाएगी, क्योंकि इस गेम के अंदर 1-2 बार रिवाइव करने का ऑप्शन है। तो यहाँ पर देखते हैं, लेट्स सी अपने 5 बंदे और किल करने अपने ओवरऑल, क्योंकि 5 बंदों से अपने को यहाँ पर हमारे 10 किल होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर हमारा 4 नंबर मेरे साथ ही चल रहा है, और ये देख सकते हो यहाँ पर कितने सारे बंदे थे। मेरे को ऐसा लगा यहाँ पर एक और बंदा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक बंदा फायर कर रहा था पहले की साइड, और यहाँ पर मेरे को थोड़ी सी अच्छी सी लूट बन जाती है, और यहाँ पर किसी भी बंदे को चिकन बना सकते हैं। ओके, और देख सकते हो क्या हालत कर रहा है, इसका नाम नहीं मेरे को पता है। तो जल्दी से आगे की तरफ चलते हैं, और मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ पर मेरा साथी फाइट कर रहा है किसी से, बट यहाँ पर ये साथी खड़ा होकर जन पता नहीं क्या कर रहा था, स्कोप लगा रहा था। तो मैं आगे की साइड चला जाता हूँ, बिकॉज अपने को यहाँ पर बंदे किल करने हैं, और ये साथी क्या करते हैं इग्नोर करना है इनको।
तो जैसे ही मैं आगे की तरफ आता हूँ मेरे को एक गाड़ी दिखती है, और यहाँ पर थोड़ा सा मैप खोल के देखता हूँ कितना बड़ा जोन आ चुका है, और यहाँ पर जोन की सशक्त बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर अपना वायरस भी होने लगा था। तो लेट्स सी गाइस अपना यहाँ पर कब अपना बंदा मिलता है, और बंदा मिलता है तो इसको किस तरह से अपन लोग भगा भगा के मारने वाले हैं। तो ज़्यादातर मेरे को बंदे नहीं मिल रहे थे अभी के टाइम पर, क्योंकि यहाँ पर 15 बंदे अलाइव थे और 5 बंदे मैंने किल कर दिए हैं टोटली। बदबल मैंने ही सारे के सारे बंदे किल किए हैं, जो 5 बंदे हैं ना मैंने ही बस किल किए हैं अभी तक इस वाले गेम के अंदर। तो भाई बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि किसी भी बंदे ने किसी बंदे को टच नहीं किया अभी तक, और 5 बंदे जो मैंने मारे हैं वही मरे हैं अभी तक गेम के अंदर से। और यहाँ पर लेट्स सी गाइस मेरे को एक और बंदा आगे की तरफ जाता दिख रहा है, तो अपने को नीचे जाके मारना पड़ेगा क्योंकि ऊपर की तरफ अपन लोग फंस सकते हैं। और यहाँ पर अपनी एक कार भी है, कार से भाग सकता है अंदर एकदम, देख सकते हो क्या ही तो एकदम खेल रहा है उसी तरीके से। इसने मेरी लाइफ डैमेज बहुत ज्यादा कर दिया, और यहाँ पर मैंने अपना यहाँ पर लगा लिया है ग्लू बोल, और यहाँ पर देख सकते हो बैठ बैठ के कैसे आ रहा है मेरे इसी के साथ, इस बंदी के साथ अपने 6 किल हो चुके हैं। बट अभी तक हमारे 15 बंदे ही अलाइव हैं, तो यहाँ पर इजीली अपने हो चुके हैं, और काफी अच्छी लूट थी इसके पास। और यहाँ पर मैंने उठा ली थी यूएमपी, बट मेरे को यूएमपी अच्छी नहीं लग रही है क्योंकि अभी तक मैंने अपनी P90 को ट्राई नहीं किया किसी भी बंदे को, तो अपने को P90 को भी ट्राई करना पड़ेगा। और यहाँ पर ये 4 नंबर भाई अपने मेरे साथ ही चल रहे थे बहुत देर से, और देखते हैं भाई बंदे और कहाँ पर मिलते हैं। बंदे मिलते ही सारे के सारे बंदों को चटका डालेंगे, और देखते हैं भाई कहां पर जाके बंदे मिलते हैं। अभी तो अपने को 4 बंदे और किल करने हैं, ताकि एक स्क्वाड तो मैंने खत्म कर दिया, अभी मेरे को यहां पर 2 स्क्वाड कम से कम और खत्म करने हैं, ताकि हमको यहां पर और यहां पर अच्छा लूट मिल जाए। और लूट मिलते ही अपने को यहां पर बुए भी लेनी है, तो बुआ के साथ साथ अपने को बहुत सारी चीजें यहां पर रिवॉर्ड भी मिल जाएंगे इस बुए के बाद। तो देखते हैं भाई कितने बंदे अपन लोग किल कर पाते हैं, लेट्स सी गाइस कहां पर नेक्स्ट बंदा अपने को मिलने वाला। तो जैसे मैं अपने मैप की तरफ देखता हूँ, तो अपना 4 नंबर भाई किसी से फाइट करने जा रहा है, और यहाँ पर मेरे को ऐसा लगा यहाँ पर कोई बंदा भी हो। तो मैंने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा अपना 4 नंबर किसी बंदे को मार रहा था, तो मेरे को इसका किल चुराना है, क्योंकि किल चुराने से यार अपने किल बढ़ेंगे। बट इसने ज़्यादा डैमेज नहीं लिया, इसमें एक आध दो ही गोली मारी है, तो अपने को पूरा किल करना है। तो अपना यहाँ पर 7 किल हो चुका है इसी के साथ साथ, अपने लेमिनेट कर दिया हमने 7 पीपल्स। तो यहाँ पर काफ़ी छोटा वाला जोन बन चुका था, और काफ़ी बंदे यहाँ पर अलाइव थे, अभी 12 बंदे अलाइव थे जिसमें से 4 अपने ही बंदे थे, और धड़ाधड़ कोई भी बंदा किल निकाला जा रहा था यहाँ पर। तो मैंने देखा अपना फाइट, हमारा सेकंड वाला भी हमारा साथी अपना फाइट कर रहा है किसी बंदे से, तो मैंने पहले तो उसको इग्नोर करके आ गया था, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा ये अपना ही साथी है, बट ये और कोई था। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने देखा इसके ऊपर नाम आ रहा था, बट पता नहीं कैसे यार मेरे को ऐसा लगा ये मेरा साथी है, बट इसको मैंने फिनिश करना चाहा, क्योंकि पता पड़ा बाद में ये अपना साथी नहीं है। इसके ऊपर किल यहाँ पर जैसे ही डैमेज देंगे इसके ऊपर नाम लिखा रहा था, मेरे को ऐसा लगा था ये जब ये फायर कर रहा था ये अपना ही साथी। और यहाँ पर अपना जोन भी आ चुका था, और जोन ने देख सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ पर 500 अपना EP यहाँ पर डैमेज कर दिया था HP, और यहाँ पर देख सकते हो ये काफ़ी अच्छा खेल रहा था अगला बंदा। तो मैंने यहाँ से निकलना चाहा, क्योंकि अगर इस बंदे से भी अगर पिट गए हम तो यहाँ पर अपनी बेइज्जती हो जाएगी। तो इसलिए अपन लोग ने यहाँ पर सबसे पहले एक मैडी मारी, और मैडी को मारने के बाद अपन लोग देख सकते हो यहाँ पर एक बंदा है, और तो ये जोन से अपना एलिमिनेट हो गया, ये अपना जोन से एलिमिनेट हो गया, वरना अपने यहाँ पर 8 किल हो जाते अभी। और यार ये कितना कमीना आदमी था, इसने जोन को अपना किल दिया ना कि मेरे को किल दिया अपने। टोटली अभी भी 5 बंदे अलाइव हैं, उसके अलावा हमारे यहाँ पर साथी शायद अपने साथी मर चुके हैं, क्योंकि मेरे को यहाँ पर कोई भी अपना मैप के अंदर अपना साथी नहीं देखने वाला था। तो यहाँ पर टोटली 1 स्क्वाड और बचा है, स्क्वाड को मारने के बाद अपना यहाँ पर भूये हो जाएगा। लेट्स सी गाइस अपना भूये होता है या नहीं, और कहाँ पर जाके ये स्क्वाड वाले बंदे मिलते हैं, तो देखने वाले आगे की वीडियो में। तो वीडियो पर एंड तक बने रहना, और लाइक नहीं का तो यार लाइक कर देना, लाइक की कहानी अब तक, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना एकदम फ्री होता है, और ऐसी वीडियो के ऐसी और वीडियोस अपने चैनल पर मिलने वाले, तो लाइक कर देना। और यहाँ पर मैं अपने यहाँ पर गन रिलोड कर रहा था, मेरे को ऐसा लगा यहाँ पर बंदे अपने मैप के अंदर, तो मैंने यहाँ पर जैसे अपने स्केटबोर्ड चालू की, यहाँ पर मेरे को एक दिखा अपना बंदा जो एकदम मुर्गा फेंक रहा था अपने को, और मेरे को इसने बना दिया मुर्गा, और ये फायर करके मेरे को मारने वाला था। बट मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, क्योंकि अपने को लग रहा था क्योंकि ये अपने को मार सकता था, इसने यार मुर्गा बना दिया मेरे को। इतनी हंसी आ रही थी कि ये भाग भी आया उस पर से, इतना बंदा बोर्ड था ना ये। और मैं यहाँ पर देखने लग गया, यहाँ पर नीचे 2 बंदों की फाइट हो रही है ऑलरेडी, अगर उनमें मैंने दखल दी उन 2 बंदों में तो मेरे को मार डालेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कैंपिंग करना चाहा, मैंने कि यहाँ पर थोड़ा सा कैंपिंग करेंगे, तो यहाँ पर वो बंदा आएंगे तो इनको मार डालेंगे। और देख सकते हो यहाँ पर कितनी जोर से अपनी फाइट हो रही है 2 बंदों के बीच, तो देखने वाले क्या सीन होने वाला है। और मैं नीचे जाने लग गया धीरे धीरे करके, क्योंकि मेरे को यहाँ पर फुटस्टेप आ रहे थे और गोलियों की चलने की आवाज आ रही थी, और चारों तरफ से मेरे को ऐसा लग रहा था बंदे अपने को फायर करे जा रहे हैं। तो मैं जैसे ही थोड़ा सा देखता हूँ यहाँ पर कोई भी बंदा नहीं था, तो जैसे ही मेरे पीछे देखता हूँ तो मेरे को ऐसा लगा मेरे पीछे बंदे, मेरे को ऐसा लगा चारों तरफ अपने बंदे ही बंदे। मैं जैसे ही कूद के जाता हूँ अपना कोई भी बंदा नहीं दिखता इधर साइड, और उसी साइड मैं जाना चाहता हूँ जिस साइड मेरे को यहाँ पर मुर्गा बनाया गया था एक बंदे के थ्रू। जाते हैं जल्दी से, देखते हैं भाई वहाँ पर एक और बंदा है या नहीं, और उसने मेरे को मारा था, और यहाँ पर 2 बंदे, एक ने इसको मुर्गा बना दिया था उसी बंदे को। यहाँ पर मेरे 8 किल हो चुके इसी के साथ, मैंने इतना फ्री का किल उठा लिया इस बंदे पर से। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात, यहाँ पर एक और बंदा था, और यहाँ पर टोटली 4 बंदे अलाइव है, और अपने 8 किल हो चुके, अपने को 2 किल और निकाले, एक यहाँ पर
यहाँ पर एक देख सकते हो एक और यहाँ पर गर्ल खड़ी हुई थी, तो इसको अपने माना चाहा, बट ये पता नहीं क्या डांस करने लग गया अपना बंदा। यार क्या डांस करता है, एंड में आता जब भी डांस करने को मिलता है उससे पहले डांस नहीं करता, इसने कुछ शायद कुछ फेंका हुआ इस वजह से अपना डांस करने लग गया था। और यहाँ पर देख सकते इतनी ज्यादा टक्कर दे रही थी अपने को, फिर से इसने मुर्गा बना दे, बट एट द टाइम मैंने इसमें गोली मारी और ये फिनिश हो गई। और अपन लोग मुर्गा बनने के बाद अपने लोग इधर उधर भागते रहे, और यहाँ पर देखने वाले हैं अगर अगला बंदा कहाँ मिलता है। अपनी वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो चुकी है, ओनली 9 बंदे माने और 10 मिनट की अपनी वीडियो हो चुकी है। तो भाई जो भी बंदा यहाँ तक देख रहा है एक बार कमेंट कर देना, और यहाँ पर देखने वाले अगला बंदा कहाँ पर मिलता है अपने को। और यहाँ पर जो भी वेस्ट सामान था उसको फेंकना चाहा मैंने, तो यहाँ पर मैंने जो वेस्ट सामान था सारा का सारा फेंक दिया। और यहाँ पर मेरे को ग्लूबॉल लेना चाहता था बट अपना ग्लूबॉल मेरे को मिला ही नहीं। यार कितनी बुरी किस्मत थी मेरे को, यहाँ पर ग्लूबॉल मिला ही नहीं अपने को। मेरे को बैक पैक से चीज निकालना आता नहीं था, क्योंकि कल ही मैंने डाउनलोड किया है अपना रेड रिसेक्स गेम, और ये कल परसों ही अपना प्ले स्टोर पर अवेलेबल हुआ है। जिस बंदे अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, तो जल्दी से डाउनलोड कर लो, एकदम ओपी वाला गेम होने वाला है। और फ्री फायर और पबजी और VGMI का तीनों के तीनों गेमों का मजा इस वाले गेम के अंदर मिलने वाला है। और यार देख सकते हो कितना ज्यादा मजा आ रहा है इस गेम को खेलने में। और जो भी बंदा इस वीडियो को एंजॉय कर रहा है यार एक बारी कमेंट कर देना। और यहाँ पर देख सकते हो मेरे को ऐसा लगा एक और बंदा आगे की तरफ जा रहा है, तो मैंने यहाँ पर देखा भाई यहाँ पर अपनी गोली रिलोड की, क्योंकि मेरे को यहाँ पर रिस्क नहीं लेना था। और हेलीकॉप्टर भी आ चुके थे, और मेरे को बैटरी करने के लिए यहाँ पर दो बंदे को मारने के बाद अपने हेलीकॉप्टर पर जाना था। और यहाँ पर ओनली मेरे को दो बंदे ही मारने, और अपने यहाँ पर हो जाएंगे 11 किल। तो देखते हैं भाई अपने यहाँ पर 11 किल हो पाते हैं, और लास्ट वाला ये दोनों सर्वाइव कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों प्रो है, क्योंकि इन्होंने अभी तक मरे नहीं है अभी तक ये दोनों बंदे, तो इसका मतलब ये प्रो है। तो देखने वाले बात है कि अगर ये हमको मार पाते हैं या हम इनको मार देते हैं, तो लेट्स सी गाइस, देखने वाली बात यही होने वाली। और एक बंदा मेरे को देख चुका है सेट, तो देख सकते हो इसको मैंने फायर किया, बहुत ज्यादा इसकी हेल्थ डैमेज कर दी है, और काफी डैमेज करने के बाद इसने कवर ले लिया अपने से बच के हुए। और यहां पर मैं सेकंड पेड़ पे कवर लेने जा रहा हूं, और यहां पर देख सकते हो कितना इजी पीजी अपना गेम जा रहा है अभी तक तो। और ये बंदा अपने को मार पाता है या नहीं, हम इसको मार देंगे ये एक नहीं वाली बात होगी। इसने मेरे पे फायर किया बहुत ही ज्यादा, और अपना हेलीकॉप्टर भी आ चुका था, और टाइम से पहले अगर हेलीकॉप्टर तक नहीं पहुंचे अपन लोग तो अपन लोग का गेम फिनिश हो जाएगा यहीं पर, अपना डिफीट हो जाएगा। और इसको मारने के बाद टोटली अपने हो जाएंगे 10 किल। तो अपने एक स्क्वाड का ये बंदा अकेला हुआ, तो इसको जाके अपने को फिनिश करना पड़ेगा। अगर इस बंदे को फिनिश नहीं किया तो अपने को हेलीकॉप्टर पे जाने नहीं देगा ये, अगर हेलीकॉप्टर पे नहीं गया तो यार बहुत ज्यादा डिफीट हो जाएगा अपना यहाँ पर गेम। तो बहुत ज्यादा सीरियस सिचुएशन चल रहा है, ये बंदा अपने को मार पाता है नहीं देखने वाली बात होगी। और इसको मैंने टोटली इसके साथ अपने 10 किल हो चुके हैं, और यहाँ पर अपन लोग जाने वाले इसको लूट करने के बाद हेलीकॉप्टर पे। तो लेट्स सी गाइस अपन हेलीकॉप्टर पे पहुंचवा दे, बट उससे पहले अपने यहाँ पर टाइम आ गया भाई, क्या कर रहा हूं मैं, अपना जल्दी से जल्दी स्केटबोर्ड निकाल के मेरे को जाना पड़ेगा। बट अपना यहाँ पर जल्दी से जल्दी टाइम निकलता जा रहा है 30 सेकंड के अंदर, यार इतना ज्यादा कवर कैसे कर पाएंगे, काफी सीरियस सिचुएशन चल रहा है अपना। यार जल्दी से जल्दी कवर करा दे यार, कैसे भी कवर करा दे यार, 12 सेकंड बचे हैं, 11 सेकंड ओनली, 10 सेकंड यार, 9। और यहाँ पर अपना शायद मुश्किल ही जा पाएंगे अपन लोग, यहाँ पर 5 सेकंड बचे हैं, बट अपने हेलीकॉप्टर के पास आ चुके हैं, और मैंने ऊपर चढ़ने की पूरी कोशिश की, बट यहाँ पर डिफीट हो गई। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट कर देना, और इस गेम को डाउनलोड कर लेना जरूर से।